बासी खाना परोसा गया। बासी खाना परोसे जाने से नाराज लोग कार्यक्रम को छोड़कर चले गए। शिलाई के टिम्बी में आयोजित जनमंच कार्यक्रम के दौरान हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जनमंच समाप्त होने के बाद लोगों को जब खाना परोसा गया तो सभी लोगों ने खाने को बीच में ही छोड़ दिया और वहां से चले गए, जिसका कारण था भोजन का खराब होना। बताया जा रहा है कि खाने में बासी दाल परोसी गई थी। लोगों ने दाल परोसते ही खाना छोड़ दिया और पत्तलों में भोजन छोड़कर चले गए। वही विकास खंड अधिकारी की माने तो खाना खराब नहीं था, केवल दाल खराब थी। मामले की जांच की जाएगी और दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। की सुनवाई की गई है ना जी, सिर्फ ये जनमंच था, मंत्री आए चाहे संतरी आए, ये फॉर्मेलिटी का जनमंच था। शिकायत बिल्कुल खराब खाना है, ये दाल बिल्कुल खराब है। ये जो जिसने भी स्पेशलिस्ट को जो मेडिकल वाला को जिसने चेक की वो जो है उसको दोबारा से खिला दी जाए कि क्या नाम है, ये बिल्कुल खराब है दाल, ऐसा खाना बेल भी नहीं खाते, ये हम तो इंसान है, इंसान क्यों खाएगा। टिम्बे में हुए जनमंच में 10 पंचायतों के करीब 1000 के ग्रामीण शामिल हुए थे। क्या ग्रामीणों ने जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के सामने अपनी समस्या को रखा? आशा लेके आई हुई है, किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है, जितनी भी एप्लीकेशन है ढेर लगा रखी है। एप्लीकेशन हम लोगों ने इसलिए लिखी थी कि हमारी जो पीने के पानी की समस्या है और अन्य कोई समस्या है, सड़क की समस्या है। अभी क्या दिक्कत हो रही है आपको? अभी खाना खाने बिठाए थे और क्या नाम था, खाना भी यहाँ पे प्राप्त नहीं, सिर्फ इतना पचास दिया और उसके बाद हम और खाने वाले नहीं आए हुए हैं। कार्यक्रम में लोगों की समस्या का भले ही समाधान हुआ हो, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ हुए खिलवाड़ के बाद अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है।